मेरे पे क्या अपराध था? ये बच्चा है, इधर आओ, स्कूल वाला, इधर आओ, इधर आओ। हम आपको बताना चाहते हैं मेरा क्या अपराध था। इसको ले आइए, लाइए, इधर से दीजिए, हट जाओ। आ जाएगा ना। कितना उम्र है? यहाँ खड़े हो जाओ, आगे आगे। ये 10-12 साल का लड़का है, इसको मूछ है, नहीं है ना? मेरे पे आरोप लगा कि तेजस्वी जब 12-13 साल का था तो रेलवे में बैठ के घोटाला करता था। अब आप समझे कि तेजस्वी इतने बड़े था। अब बताओ बाबू, टेंडर कैसे मिलता है? टेंडर क्या होता है? नहीं पता? खेलना जानते हो, पढ़ना जानते हो, मन लगता है ना उसमें? टेंडर में नहीं ना लगता है? करप्शन क्या होता है? नहीं ना। अब बताओ, जो बच्चा जिसको मूछ नहीं है वो रेलवे में बैठ के टेंडर में घोटाला करेगा और साजिश रचेगा? यही मेरे पे आरोप है। आप समझिए, आप जानिए कि हम तो क्रिकेट खेलते, हम तो पढ़ते थे। और आप बताइए, अगर 13 साल का, मान लेते हैं घोटाला किया होगा, साजिश किया होगा 13 साल में भी, तो वही लड़का अगर 28 साल का हो जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, 3-3 डिपार्टमेंट संभालता है, तब तो अरबों करोड़ों का घोटाला करना चाहिए था, तब तो पूरा बिहार सरकार का खजाने लेके भाग जाना चाहिए। अरे हमारे पंटू चाचा, बताओ तेजस्वी ने कौन सा अपराध किया है उप मुख्यमंत्री रहते हुए? बताइए। एक घोटाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पलटू चाचा ने पलटी इसलिए ना मारी थी क्योंकि सृजन घोटाले का डर था। बालिका मुजफ्फरपुर बालिका गृह का डर था। आज डरता कौन है? जो झूठा है, जिसने अपराध किया हो। लालू जी और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और ईमानदार लोग किसी के सामने डरता नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं है। लेकिन जो बेईमान होता है, डरपोक होता है, वही ना शरण में जाता है। तो मोदी जी के शरण में क्यों गया? नीतीश जी गए कि नहीं गए? डर के गए कि नहीं गए? आप जानिए, आप समझ लो, बीजेपी में जो चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र होगा। हम लोग तो सुनते थे कि गंगा जी का डुबकी लगाएगा तो सारा पाप भूल जाता है, लेकिन आप भाजपा में चले जाओगे तो सारा पाप भूल जाता है। आज देखिए, नीतीश जी राजा हरिश्चंद्र बने हुए हैं, बिहार के राजा बने हैं कि नहीं बने? मुख्यमंत्री, क्योंकि भाजपा से हाथ मिला ली। अगर भाजपा से हाथ नहीं मिलाते तो आज सृजन घोटाला में जो उन्होंने चोरी की है, क्योंकि सही है उन्होंने छोड़ी, अगर हम लोग चोर बेमान होते तो हम भी, तो लालच होता हमारे अंदर लालू जी के अंदर, तो हम भी भाजपा से मिल जाते, बिहार के मुख्यमंत्री होते। लेकिन अपने विचार से, अपने सिद्धांत से, अपने नीति से हम लोगों ने समझौता नहीं किया, नहीं किया। लेकिन दूसरे तरफ हमारे चाचा जी समझौता पे समझौता, ना कोई विचार है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। 4 साल में 4 सरकार बना दिए, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए, जनता की अदालत में आए। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है, और फैसला आप लोगों को करना है, न्याय आप लोगों को करना है। यार नीतीश चाचा क्या काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं बता रही थी। 4 साल में जब 4 सरकारें बनेगी तो विकास कैसे संभव है? आप जानो नीतीश जी का क्या काम है? बंदी पे बंदी, शराब बंदी पे, ठीक है, हम मानते हैं कि नशा मुक्त पूरा भारत होना चाहिए, लोगों को समझाने की जरूरत है, लेकिन शराब चालू है कि नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है पूरा, 200 रुपया का जो बोतल पहले मिल जाता 1500 का मिल रहा है, पीने वाला पी रहा है, अमीर पी रहा है, बड़ा बड़ा अधिकारी पी रहा है, नीतीश जी के चेहरे लोग बिछवा रहे हैं, पूरा बिछवा रहे हैं, और गरीब अगर ताली या महुआ
तो उसको भी जेल में भेज दिया जाता है। अभी यहाँ हाल में एक देवता है और देवता से थोड़ा बहुत कुछ चढ़ाया जाता है तो पूरा महिला लोग को जेल में बंद कर दिया गया, या 15 महिला को जेल में बंद कर दिया गया। तो आप लोग जानिए कि ये सरकार जो है माफियाओं की सरकार। अब इसलिए कहते हैं कि 1500 रुपए जो कीमत मिल रहा है, पहले 200 था, ये सारा 20 का पैसा कौन उठा रहा है? सब पलटू चाचा जी के खाते में जा रहा है। पूरा कमीशन बड़ी बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आज जाति प्रमाण पत्र बनवा लो तो उसमें भी आप लोगों को घूस देना पड़ता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। ये हमारे चाचा कहते थे पहले कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोलता था कि नहीं बोलते थे। अरे भाजपा में तो मिल गए लेकिन अब मिट्टी में मिलाने की बारी आप लोगों की है, आप लोगों की है। आप जानिए ये लोग जो है चौकीदारी कर रहे हैं, चोरी बन गया है चौकीदार। नीरव मोदी भाग गए 1000 करोड़ रुपए लेके, ललित मोदी लेके भागे, विजय चौकसी भागे, विजय माल्या भागे, सब लोग भागे पैसा लेकर के। आप लोगों का आपका ही पूरा 19 बैंकों को उन लोगों ने लूटने का काम किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चौकीदार, तो ये चोर ही लोग चौकीदार बना। यहाँ सृजन चोर सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार, ये सब चौकीदार बने जिन्होंने बिहार का खजाना निकालने का काम किया। उसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भले ही लोग अपने आप को चौकीदार समझे लेकिन ये बात लोग जरूर समझे कि देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है। अगर चौकीदार ने गलती करने का काम किया है तो थानेदार उसको बख्शने का काम नहीं करेगी, छोड़ने का काम नहीं करेगी। आप लोग सजा दीजिएगा ना, न्याय कीजिएगा ना। और यहाँ एक चीज से ध्यान रखिएगा, ये जितना ये सब है रोजगार की बात करते थे, रोजगार मिला किसी को 2 करोड़ कहते थे रोजगार देंगे एक साल, आज मोदी जी के दौर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ा है। जिसको रोजगार था उसका भी रोजगार छीन लिया गया। हमारे नौजवान डिग्री लेकर के घूम रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अब मोदी जी बोलते कपड़ा छान, कपड़ा छान, चलो अब पकड़ो छान लेंगे। अगर घर की स्थिति ठीक नहीं है आर्थिक रूप से, घर में भूखे मर रहे हैं तो पकौड़ों का दुकान लगा लेंगे। लेकिन मोदी जी कम से कम पकौड़ा का दुकान लगाने के लिए ठेला चाहिए होता है, सामग्री चाहिए होता है। 15-15 लाख रुपए का वादा किए थे, कहा था कम से कम 2-3 लाख रुपए का बोरिया चढ़ा दीजिए और हम पकौड़े का दुकान खोल देंगे। लेकिन साल में अगर 2 करोड़ लोग अगर पकौड़ा बेचने का काम करेंगे तो पकौड़ा क्या खाएगा, कौन खाएगा पकौड़ा? हर घर में पकौड़ा बनाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसका दुकान चलेगा बाहर। 2 करोड़ यानी 5 साल में 10 करोड़ लोग पकौड़ा बेचेंगे तो कहाँ से खाएगा? तो इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया। आज मुद्दे पे बात नहीं होती, माफ कीजिएगा, कुछ मीडिया जो है सबको हम नहीं बोलते लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चमचाई करने में लगे हुए, सिर्फ और चमचाई, सच को नहीं दिखाते, मुद्दे की बात नहीं करते, मोदी की बात करते। हम कहते हैं मुद्दे पे मत आइए, मोदी पे मत आइए, मुद्दे पे आइए। और वो लोग कहते हैं मुद्दे पे मत आइए, मोदी पे आइए। मोदी चाय वाला तो मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, क्या मोदी? हम बता दो आपकी जिंदगी में क्या सुधार हुआ है मोदी जी, नीतीश जी के रहते हुए? महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है कि नहीं? पेट्रोल डीजल आज किसानों पे चर्चा हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा, किसान जो है कर्ज का माफ नहीं किया जा रहा, किसानों की स्थिति हो गई है कि वो आत्मदाह के दर पे मजबूर हो गए। तो क्या हो रहा है? तो क्या हुआ ना, बेरोजगारी की बात की जा रही है, चर्चा किस पे हो रही है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये पाकिस्तान, आपका कश्मीर, मंदिर, मस्जिद, यही चीजों पर चर्चा चल रही है, ना बेरोजगारी पे, ना किसानी पे, ना मजदूरों की जिंदगी बेहतर बनाई जाए, गरीबी कैसे दूर की जाए, दिशा देश आगे कैसे बढ़े, इस पे चर्चा नहीं हो रही। उसलिए ये लोग जब जवाब इनके पास नहीं बनेगा ना, मुद्दा पे अगर आप लोग आओगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। इसलिए ये लोग कश्मीर
कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम यही सब बात करने का काम करते हैं। क्या आप जानते हैं एक चुटकुला चला हुआ था कि राम जी को हिचकी आता है, स्वर्ग में बैठे हुए थे तो सीता मैया पूछते हैं प्रभु हिचकी कहाँ आया है, तो राम जी बोलते लगता चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर ली। आप जानिए ये लोग वो लोग हैं आपस में जहर फैलाने का काम करते हैं, समाज को लड़ाने का काम करते हैं, भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश को सब लोगों ने अपना खून देकर के सींचने का काम किया है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा देश में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग दिखने में है, अलग अलग जातियां हैं, इसलिए हम सब लोग मिलकर के एक रहते हैं, तो इसलिए दंगाइयों से सावधान रहने की जरूरत है। तो ज्यादा कुछ ना कहके हम अपनी बात को जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जब पिताजी को जेल भेजा जा रहा था तो हम लोगों को हम साथ में थे, निराश थे, उन्होंने कहा बेटा निराश मत होना, अगर निराश हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना, आज हम अपने मालिकों आप लोगों के बीच आए हैं, न्याय मांगने आए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग न्याय करने का काम कीजिएगा, कीजिएगा ना, और हम एक नारा लगाएंगे साथ में, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, लेकिन दोनों हाथ उठा करके बोलना होगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ, भाजपा हम बोलेंगे बेरोजगारी मिटाओ, तो आप बोलेगा आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी मिटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। एक और पलटू चाचा के लिए भी कह दिया जाए, लेकिन जोरदार तरीके से कहिएगा, हाँ ना, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलिएगा बिहार बचाओ, पंटू चाचा भगाओ, पंटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ, पंटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। और आपकी अगर अनुमति हो तो पप्पू जी को हम पहले बार पहना दे जीत का, और देखिएगा आप लोगों की जिम्मेदारी है, निश्चिंत होकर के हम जा रहे हैं, लालू जी का जो संदेश है हमने आप तक पहुंचा दिया है, आपने देश को बचाने का काम किया, आरक्षण को बचाने का काम किया, संविधान को बचाने का।